हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो सुबह का हम खाना बना रहे हैं और यहाँ हम चना दाल ले लिए हैं, इसका हम सब्जी बनाएंगे। और इसके लिए हम ले लिए हैं 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 छोटा छोटा अदरक का टुकड़ा, 2 लाल मिर्च और यहाँ 8-10 लहसुन का कली है और काली मिर्च है और जीरा है। अब ये सब का हम पेस्ट बनाएंगे और यहाँ हम मिक्सी हम तार से जोड़ लिए हैं, बिजली से कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसको हम पीस लेंगे, इसको हम पीस लिए हैं। अब इसको हम निकाल ले रहे हैं और मोटा ही पीसना है, ज़्यादा महीन करके नहीं पीसना है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें मिक्स मसाला डालेंगे और जो मसाला पीस के रखे थे 1/2 चम्मच वो भी डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर ले रहे हैं। इस तरह से भर लेना है इडली वाले बर्तन में और इसको हम स्टीम करने के लिए यहाँ पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं। इसमें 4 वो अट्टा है। अब इसको हम डाल दे रहे हैं और फिर हम दूसरा में इसी तरह करके हम डाल देंगे, इसी प्रकार इसमें भी डालेंगे। अब इसको भी भर लिए हैं, इसमें 5 वो अट्टा है और इसको यहाँ डाल दे रहे हैं। अब इसको हम ढक देंगे और 10 मिनट तक छोड़ देंगे। अब इसे हम चेक कर लेंगे, अगर इसमें नहीं लगा तो हो गया है। एक जरा इसका जो हम बनाए थे गीला वाला नहीं लगा है, तो ये हो गया है। इसको हम बंद कर ले रहे हैं, अब कुछ देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। छोटा छोटा पीस में काट ले रहे हैं, इसी तरह से सभी को काट लेंगे। इस तरह से पीस में हम काट लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, तेल डाल दिए हैं और हम जितना काट के रखे थे इस पीस को सभी को हम भून लेंगे तेल में डाल के। अब इसको हम भून ले रहे हैं, इसको अब भून लिए हैं, हम निकाल ले रहे हैं। और इधर ग्रेवी के लिए टमाटर काट लिए हैं, प्याज काट लिए हैं और ये सारा मसाला है। इसमें हम 1 चुटकी नमक हींग डाल दे रहे हैं, इसके बाद 1 पतरई डाल देंगे। अब हम कटा हुआ प्याज डाल दे रहे हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा कच्चा है, बहुत ज़्यादा नहीं पका रहे हैं इसको। इसके बाद हम डाल दे रहे हैं टमाटर ताकि दोनों गल जाए एक साथ। इसके लिए ढक दे रहे हैं, इसमें नमक डाल दे रहे हैं ताकि प्याज और टमाटर दोनों गल जाए। थोड़ा देर के लिए और ढक देंगे।
अब इसमें हम मसाला डाल दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गल गया है, बहुत बढ़िया है, इसका झोल बहुत ही बढ़िया बनेगा। मसाला अच्छी तरह से भुना गया है, अब इसमें ये भुना हुआ ये डाल दे रहे हैं, ये भी थोड़ा देर तक भूजेंगे, ये भुजा हुआ है। अब इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं घोर के लिए। धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, जैसे जितना हमको चाहिए उतना ही झोर रखेंगे। इसमें हम कलर के लिए, झोर में कलर लाने के लिए हम शिमला मिर्च का पाउडर नहीं डाले हैं और ना ही हम सूखा लाल मिर्च का पाउडर डाले हैं। जो भी मसाला डाले हम पीस के डाले हैं और धनिया पाउडर सिर्फ पिसा हुआ डाले हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत बढ़िया आया हुआ है और इसका सब्जी भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। नमक डालना ही भूल गए थे, और पहले हम नमक डाले थे थोड़ा सा प्याज और टमाटर को गलाने के लिए, इसलिए स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। तो थोड़ा सा और डाल दे रहे हैं, और ये मेरा बहुत ही बढ़िया ये चना दाल का सब्जी बनके तैयार हुआ है, और ये बेसन के सब्जी से बढ़िया खाने में लगता है।